नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के बजरिया स्थित वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन कारगिल युद्ध के हीरो एवं परमवीर चक्र सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव के हस्ते किया गया। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी, इन्होंने उद्बोधन में अपने विचार रखकर नागपुर की जनता को शुरुआती में उद्यान किस तरह बनेगा, इसमें विशेषताएं क्या क्या रहेगी, सभी बातों पर चर्चा की और बाद में कार्यक्रम में उपस्थित योगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल युद्ध के लम्हों पर प्रकाश डालते हुए खासकर नागपुर के उभरते नौजवानों और उपस्थितों में नया जोश भर दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, प्रवीण दटके, ताशा एवं अन्य मान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। हमारे सम्माननीय अतिथि जिनके हस्ते आज हमने भूमि पूजन का आयोजन किया, ऐसे भारत माता के वीर सुपुत जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है, ऐसे भाई योगेंद्र सिंह यादव जी पूरे देश में नए भारत के विश्वकर्मा के रूप में जिनकी पहचान है, ऐसे आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। आज इस नागपुर शहर में वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस शहर के महापौर ने मुझे इस भूमि पूजन में आमंत्रित किया, क्योंकि ये उन वीरों की, मां भारती के उन सपूतों की याद में ये उद्यान बनाया जा रहा है। ये उद्यान नहीं, मेरे लिए तो ये एक पावन धाम बनता जा रहा है, क्योंकि देश और सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उन वीरों की याद में है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश की हर सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी हर सांस को इस मां भारती पर कुर्बान किया है। ऐसे वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनके किए हुए कार्यों को जब हमारे युवा, हमारे यहाँ के परिवार बुजुर्ग इस उद्यान में उनको देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर उनके मन के अंदर कुछ न कुछ एक सकारात्मक सोच जरूर पैदा होगी। आपने ये रोड भी बनाया, ये भी बहुत अच्छा हुआ और ये रोड बनने के कारण बहुत सुविधा मिलेगी। ये पार्क भी बना है और मुझे लगता है कि अब इसके बाद में जो टेक्सटाइल का पार्क बना उसमें पार्किंग ठीक से बनाओ और गाड़ियां रोड पर रखी तो बोलना जो फोटो निकालेगा उसको 500 रुपए देके सबको चालान रोज करते जाएंगे। नहीं तो ये रोड बनाने की चांस कुछ लोग देखते हैं कि तुम रोड कब बनाते हो और रोड पे अपनी गाड़ियां लगा देते, जैसे इनका ही माल है वो। ये बिल्कुल मत होने दो, ये रोड पर पार्किंग अलाउ मत करो, जिनको करना है गाड़ी लेना है अपने घर में पार्किंग करो। तो ये भी रोड को बचा के रखो, ये गार्डन भी अच्छा रखो, या कोई अतिक्रमण मत करो या दुकानें मत लगने दो। नहीं तो नेता है, चुनाव का टाइम है, वोट देता हूँ तुमको, मुझे जगह दो लीज पर, ये लफड़ा नहीं होना चाहिए। देना है तो वोट दे, नहीं देना है तो मत दे, पर इसको किसी को अच्छा रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सच है, जे वीर सुपूत है जन्ना भारत सरकारचा मध्यमातना परमवीर चक्र पुरस्कार मिळालेला आहे, असे 21 परमवीर चक्र विजेत्यांना स्मृति लोकांमध्ये चिरंतन राहली पाहिजे, त्यांचं नाव जिवंत राहला पाहिजे, त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेऊन लोकांनी सैन्यामध्ये सामील व्हायला पाहिजे, या दृष्टीचा दृष्टी समोर ठेवून या वंदे मातरम गार्डन आकारण्यात येत आहे। याच्यात 21 परमवीर चक्र विजेत्यांची मूर्ती असणार आहे, त्या मूर्तीचा मागे ज्या बॅटलमध्ये त्यांनी आपला शौर्य दाखवला त्याची म्युरल राहणार आहे, त्याशिवाय इथे एक टँक राहणार आहे, एक मिग विमान राहणार आहे, एक हॅविझर तोफ राहणार आहे, याशिवाय एक एम्फी थिएटर नागपूर शहर आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये ज्या लोकांनी आपला हुतात्मा दिला, शहीद झाले या देशासाठी, त्यांच्या नावासकट एक एम्फी थिएटर राहणार आहे। याशिवाय मुलांसाठी खेळणी राहणार आहे, मुलांसाठी प्लेग्राउंड राहणार आहे, सीनियर सिटिझनसाठी विरंगुणा राहणार आहे, याशिवाय 700 मीटरचा जवळपासचा वॉकिंग ट्रॅक राहणार आहे। प्रत्येक वयागटाचा मनाप्रमाणे सर्व सुविधा असून देशभक्तीची प्रेरणा घेण्यासाठी इथे अमर शहीद स्मारकसुद्धा राहणार आहे। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।